आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं स्थिति पाटिल। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गोबर से दीवारें नहीं बल्कि सियासत में लीपापोती हो रही है। प्रदेश में ये पॉलिटिक्स भूपेश सरकार के गोबर खरीदे जाने की योजना के साथ शुरू हुई। गोबर खरीदी के साथ सरकार किसानों की आय बढ़ाना चाहती है, साथ ही गोबर से खाद बनाकर जैविक खेती को बढ़ावा देना भी सरकार का उद्देश्य। लेकिन बीजेपी ने सियासत के इस गोबर में भी सियासी तीर को ढूंढ दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस योजना की आड़ में सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर सवाल उठाया। रमन सिंह ने कहा है कि इस योजना का नाम बदलकर प्रचार प्रसार योजना कर दिया जाना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे, साथ ही चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां चुनाव आयोग के कड़े मंथन के बाद भी राज्य की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर सस्पेंस बना हुआ। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव के फैसले को उचित समय पर छोड़ दिया है। वहीं अभी जिस तरह से कोरोना विस्फोट हो रहा है, आने वाले समय में स्थितियां और खराब होने की संभावना है। ऐसे में उपचुनाव वाला उचित समय कब आएगा, इसे लेकर कुछ भी कहना फिलहाल संभावना नहीं है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से लग यही रहा है कि मध्य प्रदेश में सत्ता का फैसला करने वाले उपचुनाव शायद लंबे समय के लिए टल गए। लेकिन अगर कहीं उपचुनाव समय पर होते हैं तो इससे किसे फायदा मिलेगा और किसे नुकसान होगा, और क्या उपचुनाव के होने वाले वोटिंग को लेकर क्या कोई खास विकल्प तलाशे जाएंगे, इसी के साथ चुनाव की ओर जो बड़ी चुनौतियां हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं, जहां गोबर पर गदर। तो देश में गाय पर सियासत को खूब होती रही है, लेकिन गोबर पर कभी कोई चर्चा या विवाद शायद ही सुनने को मिला हो। ऐसे में छत्तीसगढ़ देश का शायद पहला राज्य है जहां पिछले कुछ दिनों से सियासत के पटल पर गोबर जबरदस्त चर्चा में है। क्यों तो राज्य में गोधन योजना की शुरुआत के साथ 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदी की शुरुआत शुरू हो गई है, और सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि सरकार की इस योजना को लेकर विपक्ष का गणित कुछ और ही कह रहा है। चलिए इस पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। 20 जुलाई 2020 यानी हरेली पर्व से छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने गोबर खरीदने की योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने खुद गोबर खरीद कर योजना की शुरुआत की। सरकार दावा कर रही है कि जिस राज्य में सरकार 1 रुपए किलो में चावल देती है, वहाँ 2 रुपए प्रति किलो की दर से होने वाली गोबर खरीदी से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये योजना कारगर साबित होगी। सरकार की तमाम दलीलों के बीच बीजेपी ने गोबर खरीदी की योजना के गणित को हल करने की कवायद की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने गणितीय कौशल के जरिए बताया कि एक दिन में 2000 क्विंटल मतलब 4 लाख रुपए का गोबर सरकार खरीद रही है, लेकिन इस योजना के विज्ञापन व प्रचार प्रसार पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रमन सिंह ने ट्वीट करके यह बड़ा सवाल उठाया और कहा कि सरकार का अविश्वसनीय अकल्पनीय आर्थिक प्रबंधन देखिए। विपक्ष के हल्ला बोल पर सत्ता पक्ष ने भी जवाबी हमला बोला है। ले देकर के इन्होंने जो 2-4 लाख रुपए की गोबर जरूर खरीदा होगा, लेकिन प्रचार ऐसा कर रहे हैं करोड़ों रुपया का, मानो उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ का पूरे दुनिया भर का गोबर इन्होंने खरीद लिया है। इस सरकार का काम जो है उसी भांति है जैसे कहावत है ना, थोथा चना बाजे घना, वही हाल है। गोबर खरीदने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फैसले से रमन सिंह जी ईर्ष्या कर रहे हैं। रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल में तो करोड़ों रुपए गौशालाओं में भाजपा नेताओं ने घोटाला किया, एक नहीं अनेक जगह किया। सियासत में सोच वहां तक चली जाती है जहां पहुंचना बेहद कठिन होता है। गोबर की महत्ता पहले सिर्फ कहावतों तक ही सीमित थी। किसी को ये मालूम नहीं था कि गोबर सियासत का जरिया भी बन सकता है। अब छत्तीसगढ़ में गोबर की सियासत का यह दिलचस्प अध्याय दर्ज हो रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट।
तो गोबर पर गगर आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता है रमेश कल्याणी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा जी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। स्वराज से छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल हैं और भोपाल स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार आशीष बघेल हैं, आपका भी स्वागत है। बघेलानी साहब, कितने का गोबर खरीद लिया आपने? कितने का गोबर खरीद लिया? रमन सिंह जी को पता चल गया है कि कितने का खरीदा आपने? अभी तो अच्छी बात है, उनको पता चल रहा है जी। असल में रमन सिंह जी को ये समझ ही नहीं आ रहा है जी कि गोबर का महत्व क्या है आज के समय में संदर्भ में, और इसका ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था से क्या रिश्ता है जी, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए वो परेशान है और कुछ भी ट्वीट किए जा रहे हैं। मुझे लगता है रमन सिंह जी के प्रति मैं बड़ा सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि 15 साल सत्ता में भोग लिए, जनादेश आपके खिलाफ किया, तो कम से कम अब जनादेश का सम्मान करिए और एक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हुए व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणियां शोभा नहीं देता है जी। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे हैं, भूपेश बघेल जी की पृष्ठभूमि है कि खेती वाली, वो आरोप लगा रहे हैं कि जितना प्रचार प्रसार किया है और कोरोना काल में भी बता दिया है जी कि देश की अर्थव्यवस्था या राज्य की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है तो गांव और खेती को मजबूत करिए जी, यदि गांव और किसान मजबूत होगा तब शहर में चमक आएगी जी, उस दिशा में भूपेश बघेल जी बढ़ रहे हैं जी। अब वो कहते हैं कि विज्ञापन में खर्च क्यों कर रहे हो जी, भाई गोबर एक प्रोडक्ट है जी, अब प्रोडक्ट को तो विज्ञापन करना ही पड़ेगा ना, गांव गांव तक बात पहुंचानी पड़ेगी ना। वो तो ये कह रहे हैं कि 4 लाख का गोबर खरीदा, विज्ञापन दिया हमने, कोई करीना कपूर को बुलाकर 10 मिनट के डांस के लिए 2 करोड़ रुपए तो नहीं दे दिया। वो ये बोल रहे हैं 4 लाख का गोबर खरीदा, सलमान खान को बुलाकर 1 मिनट के मेरे बाबर भटका गए, उसका 1 करोड़ दे दिया, ऐसा तो नहीं किया ना। नहीं, उनका आरोप है कि 4 लाख व्यापक हित में जो काम कर रहे हैं जी उस पर जो विज्ञापन हो रहा है जी उस पर उनको एतराज नहीं करना चाहिए। और रमन सिंह जी को एक बात याद और करा दूं कि आपने चुनाव के पहले अनुपूरक बजट पास कराया था विज्ञापन का 150 करोड़ का, और आपने खर्च कर दिया 400 करोड़ रुपया जी, और कहीं कहीं तो बिना आरओ के आपने विज्ञापन दे दिया, वो बेचारे जो अखबार वाले या मीडिया वाले हैं वो बिल के लिए घूम रहे हैं। 150 करोड़ का बजट था, 450 खर्च कर दिया। अरे तो आपने बरलानी जी, आपने बड़ा अच्छा शब्द का उपयोग किया, बेचारे उन बेचारों में हम भी हैं, तो कम से कम मुख्यमंत्री से कहिए कि बेचारों की तरफ हमें नजरें इनायत करें। और लेकिन रमन सिंह जी ने कहा है कि 4 लाख का गोबर खरीदा, 40 लाख का विज्ञापन दे दिया, तो प्रोडक्ट में लागत पहले से ही आप की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी। तो लॉन्ग त्रिपाठी जी, किसी भी प्रोडक्ट को जब लॉन्च करते हैं तो तत्काल प्रॉफिट नहीं आता है जी, इसका दीर्घकालीन परिणाम देखना पड़ता है जी। वो 40 लाख वाली बात तो गलत है जी, लेकिन ये तो बताएं कि उन्होंने 350 करोड़ रुपए जो ज्यादा खर्च कर दिया उसका क्या होगा? वो राजेश टोप्पो जो अधिकारी थे वो ईओडब्ल्यू में परेशान हो रहे हैं जी। आपने भी बताया सबके एजेंसीज के विज्ञापन रुके पड़े हुए हैं जी, जी। बिना आरओ के दे दिए, आप कैसे दे दे? सीएजी ने अलग उस पर टिप्पणी कर दी है जी, जी। तो भूपेश बघेल सरकार भी क्या करे? नहीं, अब आप कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो मुख्यमंत्री जी तो मीडिया के साथ हमेशा उनका व्यवहार बहुत अच्छा आदमी रहा है जी। चलिए, हमारे साथ संदीप जी है। संदीप जी, जब बचपन में पढ़ा करते थे, जब प्रश्न पूछा करते थे टीचर और नहीं बनता था, तो एक कहावत कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है, माने सबसे बेकार, जिसका कोई महत्व नहीं, कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में भी अगर भूपेश सरकार उस गोबर से भी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, गोबर को भी कीमती बना रहे हैं, तो इसमें सियासत करने की क्या जरूरत है, नंबर एक। दूसरा, आप इंतजार करते साल डेढ़ साल, अगर वो योजना गोवर्धन योजना जो भी है अगर वो फ्लॉप होती तब इस तरह के सवाल उठाते तो शायद बेहतर होता। संदीप जी, देखिए त्रिपाठी जी, जी आप जो कह रहे ना गोबर निकृष्ट, और इसका मेरी आवाज मेरे को वापस आ रही है, क्या सिस्टम, उसको जरा ठीक करवाएंगे। मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा
देखिए गोबर जो है जी, गोबर जो है जी, अगर कोई मास्टर ऐसा कह देता तो अपने जगह वो अलग बात है जी, लेकिन गोबर का उपयोग हम बचपन से करते आए हैं। गोबर का खाद बनाना, गोबर का छेना बनाना, गोबर से हम तो गणपति जी भी बनाते हैं। हम सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा करते हैं तो गौर गणपति बनाते हैं, वो भी हम गोबर से बनाते हैं जी। इसलिए हमको गोबर की महत्ता समझाने की कोशिश कोई ये अब कल के आने वाले जो लोग गाय को काट करके बीच सड़क में खाते हैं ना दक्षिण भारत में, और वो लोग हमको इससे पाठ ना पढ़ाएं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, जो लोग अपने चुनाव चिन्ह से गाय बछड़ा कोई हटा दिए, जो जो गाय से घृणा करने वाले लोग हैं, ये सियासी चाल चल रहे हैं। और रह गई बात गोबर की, मैं आपको बता रहा हूँ त्रिपाठी जी, आप भी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोगों में से हैं। आज भी छत्तीसगढ़ के हर गांव में हम लोग घुरुआ बना के रखे हैं और गोबर उसमें डालते हैं, और गोबर उसमें हम लोग अपना बचत पैरा गांव के जो हरे पत्तल डंठल डाल करके उसको हम बारिश के समय हम उसको मताते हैं घुरुआ को, जिसको हम घुरुआ लौटाना कहते हैं छत्तीसगढ़ में। और वो जो खाद बनता है उस खाद को हम लोग चैत बैसाख के महीने में अपने बैलगाड़ी और आजकल ट्रैक्टरों में भर के खेतों में डालते हैं। इस कार्य को हम लोग खातू पालने का काम बोलते हैं, ये हमारा जैविक खाद रहता है। तो जो परंपरागत रूप से छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है उस काम को अनावश्यक अपना टैग लगा करके वाहवाही लूटने का काम करना ये सरकार कर रही है। मैं बिल्कुल हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने सही कहा है, गोबर खरीदी कहीं कुछ नहीं हो रहा है, केवल ढपोर संघ की बात है। एक एक बढ़िया बात आपको बता रहा हूँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। इन्होंने 20 तारीख को योजना लॉन्च की है और 22 तारीख को जितने कृषि विस्तार अधिकारी उनको उन्होंने नोटिस थमा दिया कि गोबर खरीदी का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, कारण बताओ, और क्यों ना आपके जो है इंक्रीमेंट रोक दिए जाएं। अब बताइए, मेरे पास वो नोटिस है सब अधिकारियों के। तो इस तरह से जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में कहते हैं चोरले मोटरा अगुवाई, मतलब सरकार का योजना लॉन्च नहीं हुआ नोटिस भेजना इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये सरकार संदीप जी नोटिस इसमें तो और ये होना चाहिए कि संदीप जी 2 लाख का गोबर खरीदे संदीप जी सरकार ये होना चाहिए कि सरकार बहुत ही संवेदनशील है इस मामले में। चट्टी पटव्याह वाली स्थिति, 20 को लॉन्च किया, 22 तक नहीं खरीदी हुई तो उन्होंने नोटिस दे दिया, एक बात। दूसरा, आपने कहा कि हम खुद जैविक खेती बनाते हैं, हम खुद उसको डालते हैं और अपने खेतों में जब वो बन जाती है तो मई जून के महीने में आप अपने खेतों में डालते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सरकार खरीद रही है, ये आप संपन्न किसान हैं, आप कर सकते होंगे, बहुत जगह ऐसा भी है, अगर सरकार उसको 2 रुपए किलो में खरीद रही है तो उससे हो सकता है बेच के किसानों को थोड़ी बहुत आर्थिक मदद मिल जाए, तो इसमें बुराई क्या है? त्रिपाठी जी इसमें कोई संपन्न और विपन्न किसान नहीं लगता जी। घुरुआ हर किसान बना के रखा है, बड़ा किसान बड़ा घुरुआ बनाया है, छोटा किसान छोटा घुरुआ बनाया है, और सभी किसान अपने वहां पर गोबर से खाद बनाते हैं। ये केवल ड्रामाबाजी है कि हम इसको बना रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। एक कहावत है ना, रोटी बेलना कम चूड़ी खनकाना ज्यादा, ये यही काम ये सरकार कर रही है। ये केवल झूठ का पुलिंदा है, ये सारे जो प्रोपोगेंडा करके इसका सारा विज्ञापन बताइए, नेशनल चैनल में विज्ञापन दे रहे हैं कि हमने गोबर खरीद करके विश्व में कीर्तिमान बना दिया, कहीं कोई गोबर खरीदी नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं बनी है, कोई फंड की व्यवस्था नहीं है, कोई समिति नहीं बनी है। मैं तो जिन लोगों को नोटिस मिला कुछ अधिकारियों से बात भी किया, बोले सर हम क्या बताएं, कहीं हमको कोई न तो समिति बनी है कहीं अभी, न हमको कोई फंड का कहीं पर कोई ठिकाना नहीं है, ये नोटिस दिए हैं, ये हम इसको समझ नहीं आ रहे इसमें क्या करें। तो ये सरकार केवल विज्ञापन के सहारे जीना चाहती है। आप कह रहे हैं ना कि 1-1.5 साल देख लीजिए, आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरुआ का क्या किया इन्होंने, कौन सा कोई नया नरवा बना दिया, क्यों कहां पर इन्होंने घुरुआ बना दिया, नरवा घुरुआ बाड़ी, इन्होंने कहा कि हम हर किसान को बाड़ी देंगे, जिनके पास बाड़ी नहीं उनको बाड़ी बना के देंगे, आप बताइए इसमें क्या समय देंगे उनको योजना। हर 2 महीने के भीतर, अभी तो उनके 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं भाई, नहीं तो आप बताइए ना त्रिपाठी जी देखिए 4800 करोड़ रुपया किसानों के धान का बचा है, जो अभी पैसा इन्होंने धान खरीदा है, 1600 करोड़ रुपया गरीबों के मकान बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास है, जो पैसा इनके शेयर का इनको देना था वो नहीं दिए, और आज ही जानकारी आई है कि इन्होंने 5 लाख गरीबों के आवास सरेंडर कर दिए, हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं बनवा सकते, हम अपना शेयर नहीं दे सकते, मोदी जी ये मकान आप ले जाइए और हम अपना शेयर नहीं दे सकते, ये हालत ही सरकार का। और आपको एक महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि ये जो अभी जितने कोविड में
जो 108 और महतारी गाड़ियां जो एम्बुलेंस चल रही है, इन एम्बुलेंस के ड्राइवर को तनख्वाह नहीं मिला है 3-3 महीने से। और ये जो है मंत्रिमंडल का गठन कर रहे हैं, निगम बना रहे हैं, मुद्दा है संदीप की, संदीप की मुद्दा आज दूसरा है घूमने, क्यों नहीं इसी जुड़ा है, ये नहीं है सब इसी से जुड़ा है, आर्थिक स्थिति से जुड़ा है, सब इसी से जुड़ा है त्रिपाठी जी, सरकार की आर्थिक स्थिति सब इसी से जुड़ा है त्रिपाठी जी, मुद्दा ये है कि गोबर खरीदी अगर हो रही है उसमें क्या गड़बड़ी जी त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी इन्होंने साफ कहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम गरीबों के मकान के लिए अपना शेयर नहीं दे सकते, 1600 करोड़ रुपया गरीबों का ऑलरेडी बचा है, नया जो लोकेशन आया था लोकेशन मकान का गरीबों के लिए वो भी इन्होंने 5 लाख मकान सरेंडर कर दिए। तो एक तरफ तो कह रहे हमारे पास बजट नहीं है, दूसरे तरफ गोबर खरीदी का ड्रामा कर रहे हैं, आखिर है क्या आप बताइए तो सही। हमारा प्रश्न, मूल प्रश्न यही है कि आप केवल गाल बजाने का काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, विज्ञापन के माध्यम से लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए विज्ञापन की बात आप लोग बार बार बीच में ले आते हैं, बल्याणी से उत्तर लेंगे, लेकिन मनोज जी वास्तविकता क्या है इसमें, वास्तविकता, और आप खुद किसान हैं, आपने गोबर बेचा नहीं बेचा? देखिए जब इस योजना की लॉन्चिंग की बात हुई थी और उसके बाद ये कहा गया था कि अभी गौठानों में ही खरीदी होगी, अभी छत्तीसगढ़ में करीब करीब 2800 गौठान तैयार है, 2200 प्रक्रियाधीन है, तो कुल 5000 गौठान जहां पर अभी फिलहाल योजना के पहले चरण में गोबर की खरीदी होगी। और यही जो है मुख्यमंत्री ने उस दिन हरेली के दिन जो इसकी लॉन्चिंग की थी उसमें भी ये स्पष्ट किया था कि गोबर जो है घर घर जाकर नहीं खरीदी जाएगी, गोबर यदि आपको बेचना है तो गौठान लाकर ही बेचना पड़ेगा। तो अभी ये है कि कुल 5000 गौठानों में खरीदी होनी है, हालांकि सरकार की योजना ये है कि पूरे 20000 जो गांव है छत्तीसगढ़ में वहां पे पूरे जगह पर गौठान बनाए और वहां पर सहकारी समितियों के माध्यम से गोबर की खरीदी हो। तो बात यह है कि अभी योजना को लॉन्च हुए केवल 4 दिन हुए हैं और इसलिए इस पर अभी इतनी जल्दी उम्मीद करना कि 4 दिन में प्रॉपर सभी मैकेनिज्म जो है वो एकदम स्पष्ट हो जाए और जो है रोज खरीदी हो जाए, ये अभी शुरुआती दौर है, इसलिए विपक्ष को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन योजना की बात यदि कहें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और जिस तरह से रासायनिक खेती का प्रचलन बढ़ा है तेजी से और लोग जिस तरह से बीमार हो रहे हैं और जैविक खेती पर बार बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोर दिया जा रहा है, उन सबको देखते हुए निश्चित तौर पर योजना बहुत अच्छी है, क्रियान्वयन किस तरह से होता है ये देखने वाली बात है। और दूसरा ये है कि यदि पूरे देश में पहली ऐसी सरकार है जिसने इस तरह की योजना शुरू की है, और हमने इससे पहले भी चर्चा किया था सर कि अभी जो गाँव में गोबर कुछ लोग बेचते हैं तो वो एक हिसाब लगाया गया था कि करीब करीब 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से वर्तमान में खरीदी यदि स्वतंत्र तौर पे किसान बेचता है किसी दूसरे किसान को या दूसरे जरूरतमंद को तो 50 पैसे में खरीदी होती थी, अब यदि सरकार 4 गुना ज्यादा दर पे खरीद रही है तो वेट करना चाहिए कि किस तरह का इसकी इम्प्लीमेंटेशन होता है, किस तरह से इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। जिस तरह से सरकार की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है कि एक औसत किसान, एक कैलकुलेशन बताया था कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कि एक किसान जिसके पास 2 गाय हैं या गौधन है, गाय बैल जो भी है 2 है, तो प्रतिदिन 16 किलो के औसत से उन्होंने एक कैलकुलेशन निकाला था कि प्रतिदिन जो है 48 किलो का बताया था कि 48 किलो गोबर प्रतिदिन दो गाय या बैल या गाय या भैंस जो भी हो, तो 48 किलो प्रतिदिन के हिसाब से महीने में 5000 रुपए का ऐसा कैलकुलेशन उन्होंने बताया था उस दिन जब कार्यक्रम की लॉन्चिंग हुई थी। तो कुल मिलाकर योजना जो है बनाने में बहुत जो है अध्ययन किया गया है। दो बातें यहाँ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यहाँ पर किस मनोज जी दो बातें यहाँ पे बल्याणी से उत्तर लेंगे, लेकिन थोड़ा क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं ज्यादा अच्छा एनालिसिस करेंगे। एक तो पहली बात तो ये कि क्या गोबर खरीदी चालू हो गई है, दूसरी बात यह है गोबर खरीदी चालू हुई या नहीं चालू हुई, तो जैसे संदीप जी बता रहे हैं कि नोटिस भी दे दिया गया है कि गोबर खरीदी सही ढंग से नहीं हो रही है, तो गोठानों में गोबर खरीदी चालू हो गई है। और दूसरा ये पूर्व मुख्यमंत्री जी को कैसे मालूम कि 4 लाख रुपए के गोबर खरीद चुकी है सरकार अगर नहीं शुरू हुई है?
देखिए सर, ये अखबारों में एक फिगर आया था कि जिस दिन हरेली के दिन ये योजना लॉन्च हुई थी और उसके दूसरे दिन तक का अपडेट ये आया था कि कुल जो है अब तक 4 लाख रुपए के मैंने 2000 क्विंटल गोबर की खरीदी अभी तक हुई है, जिसका कीमत निकाल के उन्होंने बताया कि 4 लाख रुपए का गोबर अभी फिलहाल खरीदा गया है। इस हिसाब से जो है ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने ये ट्वीट किया है कि 4 लाख रुपए की गोबर खरीदे और विज्ञापन करोड़ों का कर डाले, इस तरह की बात। दूसरी बात कि गौठानों में खरीदी नहीं हुई है, जैसा कि संदीप जी ने एक सवाल उठाया था कि अभी बहुत जगह पर समिति नहीं बनी है। ये बात सही है कि अभी कोरोना का काल है, बहुत ज्यादा आवागमन नहीं है, अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठ नहीं रहे, बहुत सारी जमीनी जो समस्याएं होती किसी नई योजना को अमली जामा पहनाने के लिए, वो सारी चीजें, जैसे गोबर खरीदी के लिए सरकार ने एक समिति गठित करने की बात कही थी, कई जगह पर समिति का गठन नहीं हुआ है। वही मैंने बताया कि मैकेनिज्म अभी प्रॉपर 4 दिन ही हुआ इस योजना को लॉन्च किए, और हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में बहुत पवित्र और किसानों के लिए डेडिकेटेड त्योहार माना जाता है, इस अवसर पर लॉन्चिंग तो कर दी गई है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फीडबैक आएगा उम्मीद की जानी चाहिए कि व्यवस्थाएं सुधरेगी और प्रॉपर गोबर खरीदी होगी। जिस तरह से बताया गया है कि कुछ कृषि विभाग के अधिकारियों को नोटिस दिया गया है कि आप खरीदी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जरूर कुछ जगह पर समिति न बनने की वजह से दिक्कत आ रही है, और इस संबंध में सरकार ने त्वरित रूप से उनको नोटिस देकर बताया है कि वो इस योजना को लेकर कितनी गंभीर। मनोज जी, संदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार सवाल कर ले फिर आपके ही पास आएंगे। चलिए जी 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 नहीं चलिए जैसा आप जैसा नहीं नहीं जैसा आप कहते हैं बल्याणी जी से इकट्ठा ले लेंगे जवाब। आप बोलिए। नहीं नहीं मैं तो ये कहना चाह रहा था कि देखिए गौठानों में गोबर तो ले जाके बेचने वाली बात, और अभी कोई भी व्यक्ति मैं नहीं समझता कि गौठान में ले जाकर के पिछले 2 दिन में गोबर बेचा है और जो एक एक क्विंटल गोबर खरीदने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ के भीतर हर गाँव में जितने भी किसानों के अपने गोधन है उसको चराने के लिए एक चरवाहा लगाते हैं गांव में, और उसका जो भी रेट तय रहता है, और हर एक जो पशु होता है उसको जो पशु का मालिक है वो सुबेरे गोठान तक पहुंचाता है, और वहां से फिर उसको हकाल करके वो जो चरवाहे चराने ले जाता है। तो जिस समय हकाल करके उसको गोठान में पहुंचाते हैं वहां पर ये लोग करीब 1-2 घंटा स्टे करते हैं उनको, उस दरमियान उस गोठान में जो भी पशु जो है गोबर करते हैं तो उसको जो चरवाहा रहता है उसके खुद के आदमी उसको बीनते हैं, और बीन करके एक जगह ढेर करते हैं। ये प्रक्रिया वो साल भर करते हैं। वो गोठान में जो गोबर वहां पर आता है उस पर जो है पूरा अधिकार उस चरवाहे का होता है, और उसको वो साल के अंत में गांव में बोली लगाते हैं और उसका पैसा उस चरवाहा को जाता है, और वो सारा गोबर हमेशा गोबर गांव के किसान खरीद लेते हैं। उस गोबर को किसान अपने घुरुआ में और ले जा करके मता करके अपने जैविक खाद जो बनाया रहता है उसकी क्वांटिटी को और बढ़ा करके अपने खेतों में डालते हैं। जी, जी, तो जी। आज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर किसी गोठान में जो गोबर है वो गोबर निश्चित रूप से मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ वो गोबर उस चरवाहा का है, उसको केवल दिखावे के लिए बोल रहे हैं कि ये गोबर हमने खरीद लिया है। और तो चरवाहे का है तो चरवाहा को ज्यादा पैसा मिलेगा ना, किलो के हिसाब से चरवाहा को मिल जाएगा, चरवाहे को फायदा हो जाएगा भले चरवाहे का हो। नहीं नहीं वहाँ बोली होती है, मैं बता रहा हूँ आप मैं बता रहा हूँ त्रिपाठी जी, बोली में बिकता है वो, ऐसा नहीं कि बोली में, आप भी जानते हैं बोली में सस्ता किसान कंपटीशन होता है किसान उस जब गोबर नहीं नहीं गांव में तो कंपटीशन रहता है। आप जानते हैं जो बिचौलिया है जी त्रिपाठी जी नहीं नहीं कोई बिचौलिया नहीं। अरे नहीं आप मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, उसमें कोई बिचौलिया। सरकार अगर खरीदेगी तो निश्चित तौर पे वो जो बोली लगेगी उससे ज्यादा रेट पे होगा। सरकार की हालत देख लिए है, धान का पैसा तो दे नहीं पाए, जो धान खरीद करके सोसाइटी में रखे उसको उठा रहे हैं, करोड़ों का धान वहां सड़ गया। अब ये गोबर खरीद के उसके बल्याणी जी, बल्याणी जी केवल ये गाल बजाने वाली बात। बल्याणी जी वो उनकी बातों का उत्तर दीजिए, लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा हो रहा है बल्याणी जी, संदीप जी की मेरी बात सुन लीजिए, संदीप जी का उत्तर दे दीजिएगा। सवाल ये बात खड़ा हो रहा है, क्या इसके लिए बजट का प्रावधान अलग से किया गया है, और किया गया है तो समितियों को अधिकार दिया है, अधिकार किसको है, समितियां बन गई, समितियों के पास फंड पहुंचा क्या? कुछ नहीं है। अरे बल्याणी जी जब कार्य योजना बनती है जी तो लॉन्चिंग के पहले उसकी सारी व्यवस्था की जाती है जी,
सारा बजट बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है जी। और जो नोटिस की बात कर रहे हैं संदीप जी, वो नोटिस इसलिए दिया है कि गोठानों की व्यवस्था में कुछ अधिकारियों ने लापरवाही की थी जी। भूपेश बघेल जी इस योजना को लेकर गंभीर है जी। संदीप जी की मैं बात सुन रहा था, उनको इस बात से तकलीफ नहीं है जी कि गोबर खरीदी क्यों हो रही है, उनको तकलीफ ये है ये भूपेश बघेल की टैग लग गई, इनको तकलीफ ये हो रही है। तो भैया 15 साल आपने राज किया था तो डॉक्टर रमन सिंह को रोका थोड़ी था? अरे कोई आपने क्यों नहीं खरीदी योजना बना ली? कोई तकलीफ नहीं है। गोबर का मैं तो केवल खाद में पैदा कर रहे हैं, आरंग में जहाँ लांचिंग हुई थी उसमें मैं भी हाजिर था, यानी जी वहाँ की महिला सहायता समूह ने गमले बनाए। आप जब कह रहे थे बल्याणी जी अगरबत्ती बना रही है, अलग अलग योजना जी बल्याणी, और गोमूत्र का भी इस्तेमाल हो रहा है, फिनाइल बना रही है जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ। तो इससे महिलाओं को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन जैविक खाद बनेगी तो खेती में काम आएगी। बल्याणी जी सवाल इस बात का है, आपने कहा योजना बन रही प्रॉपर तरीके से, तो फिर 4 लाख की गोबर खरीद कैसे लिए? क्या उसके लिए अलग से फंड रखा था कि 4 लाख का? नहीं नहीं, मैंने कहा योजना बल्याणी जी दिए थे अलग जी, मैंने कहा योजना बनी, योजना लॉन्चिंग होने के पहले जी। लॉन्चिंग होने के पहले योजना पूरी बन चुकी थी जी, उसका क्रियान्वयन भी होना शुरू हो गया है जी। जो थोड़ी बहुत समितियों की कमी बता रहे हैं वो कोरोना काल के चलते कुछ में विलंब हो सकता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अभी देखो तो सही, अभी लॉन्चिंग हुई है, काम शुरू हुआ है, उसका क्रियान्वयन जमीन स्तर पर देखिए तब तो टिप्पणी करिए, आपको तो विज्ञापन में तकलीफ हो रही है। संदीप जी ने जवाब नहीं दिया कि 350 करोड़ रुपए का विज्ञापन जी, आपने सलमान खान को 1 करोड़ रुपया क्यों दे दिया? आपने करीना कपूर को 2.5 करोड़ रुपया क्यों दे दिया? इसका जवाब तो नहीं दे पा रहे। धान तो उठा लिया बल्याणी जी, तकलीफ इसलिए कि भूपेश बघेल ने एक अच्छी योजना क्यों दी? 3 लाख टन धान पड़ा हुआ है, धान का पैसे की बात करते हैं, धान के बारे में संदीप जी आपको बोलने का हक नहीं है। राजीव गांधी न्याय योजना से हमने 1500 करोड़ रुपया दिया है, सरकार 1500 करोड़ रुपए देने वाले 20 अगस्त को कहाँ दिया है? आप तो 2500 रुपए देने के लिए 2100 रुपए नहीं दिया आपने, आपने बोनस नहीं दिया किसानों को, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोनस, किसानों के धान खरीदने के ऊपर निकाला बोनस के ऊपर, वो तो आप देंगे, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अरे भैया वो आप तो दे रहे हैं, आपने लोग मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने जाके आत्मदाह कर रहे हैं और आप यहाँ पर केक काट रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था खाने में डालेंगे। अरे अभी 2 साल नहीं बीते हैं, इंतजार झूठ, 2 साल नहीं बीते हैं, आप ऐसा झूठ बोलेंगे मेरे को? इसके लिए बल्याणी जी आप जैसे झूठ क्यों नहीं दी? इसके लिए अलग से कहाँ 15 लाख की बात हुई थी? 5 अगस्त से पेमेंट भी शुरू होने वाला है, बल्याणी जी झूठ मत बोलिए, सबके खातों में जा रहा है 15 लाख कहीं पर दिए बोले तो मेरे जाना दिखा दीजिए पहले की बात कर रहे हैं को अभी बल्याणी जी, अगर मोदी जी ने ऐसा कहीं बोला है मेरे को उसको दिखाइए वीडियो, आपको मैं दूंगा 15 लाख रुपया, आप दिखाइए मेरे को वीडियो जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं 15 लाख दूंगा, झूठ मत बोलिए जी। अभी आप बहुत बड़ी बहुत सम्मान करता हूँ मैं, नहीं हार जाएंगे, गोबर पार्टी के सामने बोल रहा हूँ, नहीं नहीं हारूंगा मैं, 15 लाख के टेप में मैं नहीं हारूंगा बल्याणी जी, पब्लिक डोमेन में सिर्फ पब्लिक डोमेन में आपके साथ में चले गए हैं, आप लोग कहीं और चले आइए दिखाइए मेरे को वापस स्टेशन चौक में, आप लोग क्या वापस छत्तीसगढ़ कर लिया, कब्जा नहीं किया है आप, संदीप जी 6 साल से चिल्ला रहे हैं, आप 6 साल से चिल्ला रहे हैं, संदीप जी एक सवाल मोदी बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी बल्याणी जी, बल्याणी जी मुद्दा कहीं और चला गया, कब्जा नहीं किया है बल्याणी सैनिकों की, बल्याणी जी मुद्दा कहीं, संदीप जी लेकिन अगर ये आम आदमी के पास अगर उन्होंने संदर्भ बिगाड़ दिया तो मैं क्या करूं,
संदीप जी, आम आदमी के पास ये बात जाती है कि अगर ये सरकार गोबर भी खरीदने की तैयारी कर रही है तो उसके मन में जेहन में एक अच्छा सा अनुभूति होती है कि नहीं चलो किसानों को शायद संभवत है चरवाहा ही सही उसके चार पैसे ज्यादा मिलेंगे। ऐसी स्थिति में आपके एक पूर्व मंत्री अगर गोबर खरीदी को लेकर के ये ट्वीट कर दे जिसको राज्य का चिन्ह बना देना चाहिए, राज्य का प्रतीक चिन्ह बना देना चाहिए, ये सब बातें अच्छी है क्या? योजना को चलने दीजिए। आज पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट कर देते हैं 4 लाख का गोबर खरीदा, 40 लाख का विज्ञापन दिया। इंतजार करिए, अभी 4 दिन हुए हैं, कम से कम दो चार गलत कहा करिए। क्या गलत क्या कहा? नहीं तो आपके पूर्व मंत्री ने कोई गलत ना कहा, पूर्व कर देंगे गोबर खरीदी के अगर चालू है तो गोबर को वहाँ का मैं बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ का मैं बता रहा हूँ दूध का रेट बढ़ाने के लिए पिछले 2 साल किस बात का दिया था आपने? आप दूध पहले 2 रुपये हम बढ़ाइए, क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आप उसको? क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप गोबर खरीद रहे हैं ठीक है, पर दूध का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आप बताइए गोपालकों का? यदि आप उनकी आर्थिक स्थिति की आपको चिंता है तो मतलब लेकिन आपसे वो काम नहीं होगा गोबर खरीदे ये इस तरह से। आप झूठा जो दूध का नहीं नहीं मेरे अरे आपके से, पार्टी के पर, पहले से लोग बोल रहे हैं गोपालक क्या बात कर रहे हैं जी? कोई दुग्ध महासंघ में आपके आदमी जो बैठे थे अधिकारी लोग और आपके अध्यक्ष रसिक परमार जी, चलिए 40 करोड़ हो रही जांच होने वाली है, गोबर का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है, आप जांच करके सजा दीजिए। संदीप जी गोबर का मुद्दा बहुत बड़ा समय यहाँ मत बोलिए, जांच करिए दम है आप बिल्कुल जांच सजा दीजिए जी। एक मिनट आशीष जी की टिप्पणी सुन लीजिए वरिष्ठ पत्रकार करिए करिए जी। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो योजना शुरू करी है ये अपने आप में बहुत अनूठी है, एक नई चीज है इस तरह की। मुझे लगता है कि आमतौर पर सरकारें इस तरह का प्रयोग नहीं करती हैं और ये एक तरह का जोखिम भी होता है क्योंकि समाज के बहुत एक ऐसे तबके से जुड़ी हुई चीजें हैं जिसमें कई बार शहर से लेकर गांव और गांव के जो बहुत ही अंचलों में गांव में बसे हैं और बड़े स्तर तक इस तरह तो इससे गोपालन को मुझे लगता है कि बढ़ावा तो मिल सकता है, लेकिन गोपालन की जो स्थिति है और जो दूसरे मुद्दे हैं जैसा भी दूध की बात है कि सहकारी समितियां जो दूध खरीदती हैं उसका रेट भी बढ़ जाए तो किसानों को फायदा हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी जब गोबर की हम बात कर रहे हैं तो इस गोबर का जो उपयोग सरकार करने जा रही है और जो उससे जो बर्मी कंपोस्ट बनाएगी और उसको सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित करेगी खरीदेगी एक बड़ा मुझे लगता है महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन चूंकि अभी से 4-5 दिन शुरू हुए हैं तो इसको इसके इम्प्लीमेंटेशन पे इंतजार करना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने जो मुद्दे उठाए हैं तो भाजपा को ज्यादा इस पर निगरानी रखना चाहिए और यदि उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तब उस पर कोई तार्किक सवाल होते हैं और उसमें घोटाला या कोई गड़बड़ी सामने आती है तब वो बात मुझे लगता है ज्यादा प्रासंगिक होगी। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दलयानी जी आपका भी और मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में गोबर पर शुरू हुई सियासत खत्म होने के बजाय और तेज हो चली है। कांग्रेस का कहना है कि गोधन न्याय योजना से किसान का तो भला होगा ही, साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी ये योजना कारगर साबित होगी, लेकिन विपक्ष इस योजना पर शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ सवाल पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी का कहना है कि इस योजना में फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है, जितने का गोबर नहीं बिका उससे कहीं ज्यादा तो प्रचार प्रसार में फूंक दिए गए। हालांकि बीजेपी को ये समझना होगा कि कोई भी योजना के शुरू होते ही उसका फायदा नहीं होता है, जरूरी है कि उसे इस योजना पर सवाल उठाने के बजाय योजना के पहलुओं पर ध्यान दे और इंतजार करे। अगर काफी वक्त गुजरने के बाद भी योजना के परिणाम अच्छे नहीं मिले तो सवाल उठना लाजमी है। चलिए छत्तीसगढ़